स्टूडेंट्स वेलकम टू नीट क्लासरूम मैं हूं आपके एजुकेटर मिस वैष्णवी पोरवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द पॉइंट रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन किंगडम मोनेरा आज हम पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है किंगडम मोनेरा में और रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बैक्टेरिया में तो बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप के हमको हमें पता है तो so, दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दो तो टाइप में है एक है जो फेवरेबल कंडीशन में होगा सेकेंड है जो अनफेवरेबल कंडीशन में होगा अब वॉट डू मीन बाय फेवरेबल कंडीशन जो फेवरेबल कंडीशन है वो मेन टाइप है कि मेनली जो बैक्टीरिया का जो असेक्सुअल uh, रिप्रोडक्शन है वो फेवरेबल टाइम में ही होना चाहिए अब uh, कौन सा टाइप है तो दैट इज द बाइनरी फिशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेनली जो फेवरेबल कंडीशन में होने वाला रिप्रोडक्शन है दैट इज द बाइनरी फिजन अब बाइनरी फिजन मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो ये बैक्टेरियल सेल है बैक्टेरियल सेल विल डिवाइड फिजन होगा

सेल्स यार दो तो बैक्टीरिया तैयार करना दैट इज़ वी कॉल इट एज बाइनरी फिजन तो ये बाइनरी फिजन कब होगा इन फेवरेबल कंडीशन अब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा अनफेवरेबल कंडीशन मतलब फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लो आप एसिडिक कंडीशन है हाई टेम्परेचर हाई पीएच लो है या फिर uh, बहुत ज़्यादा हीट uh, uh, है या कुछ भी ले लो तो ऐसा जो अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या होगा बेटा तब बाइनरी फिजन नहीं होगा तब स्पोर्स फॉर्म होंगे अनफेवरेबल कंडीशन में कभी भी स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनसाइड द बैक्टेरियल सेल बॉडी बैक्टेरियल सेल बॉडी के अंदर स्पोर फॉर्म होगा फॉर एग्जाम्पल बैसिलस बैसिलस शेप बैसिलस शेप के बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था उसके अंदर एक स्पोर प्रेजेंट था एनसीआरटी में डायग्राम भी दिया गया है स्पोर को लेबल भी किया गया है तो दैट इज ओनली द स्पोर प्रेजेंट इन साइड द बैसिलस

सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है फीमेल फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन यही कंसिडर करते हैं बट अकॉर्डिंग टू किंगडम मोनेरा, एन ने एक लाइन दिया है सम प्रीमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर तो किंगडम मोनेरा के लिए किंगडम मोनेरा के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन एन ने क्या दिया है सम प्रीमेटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर मतलब कुछ ऐसा मेथड है कि जो बाहर से डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा एंड दैट इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फॉर किंगडम मोनेरा अगर कोई डीएनए है एक्सटर्नल डीएनए है अगर वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर लेता है तो उसे हम कहेंगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब इसमें कोई भी गैमेट्स प्रेजेंट नहीं है नो गैमेट्स नो सेक्स ऑर्गन्स नो जैगोटिज फॉर्म्ड सो so, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको अगर पूछा जाए कि कौन सा किंगडम है जिसमें ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है तो योअर आंसर विल बी किंगडम मोनेरा क्योंकि यहाँ पे ना ही गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं ना ही सेक्स ऑर्गन है और ना ही जायगोट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे आप कहेंगे नो ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट इन किंगडम मोनेरा कोई भी ट्रू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है बस कैसे सम प्रीमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर को ही किंगडम मोनेरा के लिए एनसीआरटी ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा है अब ये सेक्सुअल जो जो प्रीमेटिव मेथड है अभी मेथड्स कौन से हैं? तो थ्री टाइप के मेथड्स है डीएनए ट्रांसफर होने के लिए बैक्टीरिया में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए बैक्टीरिया में डीएनए एंटर कैसे करेगा तो थ्री मेथड से सम प्रीमेटिव मैथड्स मनने की थ्री मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन अभी तीनों भी मेथड्स में बेटा डीएनए बाहर से आ रहा है लेकिन तीनों मेथड्स में अलग अलग तरीके से डीएनए एंटर होगा उस हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है तो फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन ट्रांसफॉर्मेशन दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड वॉज गिवेन बाई ग्रिफिथ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट याद है आपको मॉलिकुलर बेसिस तो उसमें ही दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या कि जब कोई भी डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा थ्रू अ मीडियम कोई मीडियम का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है तो मीडियम के थ्रू ही कोई भी डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा दैट इज़ वी कॉल इट एज ट्रांसफॉर्मेशन अब सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन कैसे हो रहा है बेटा तो दो सेल्स है दो सेल एक बैक्टीरियल सेल का डीएनए मटेरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करना है कैसे करोगे तो इट विल टेक प्लेस थ्रू द स्ट्रक्चर नोन एज पिलाई इट विल फॉर्म पिलाई ट्यूब फॉर एग्जाम्पल ले लो अगर ये दो बैक्टीरिया है एंड दिस इज योर एफ प्लाज्मिड इस एफ प्लाज्मिड को या इस डीएनए मटेरियल को इस बैक्टीरियल सेल तक जाना है तो इट विल फॉर्म लाइक दिस पिलाई ट्यूब इट विल फॉर्म पिलाई ट्यूब तो पिलाई ट्यूब के थ्रू ये डीएनए मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया सेल में जाएगा तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन नाउ द थर्ड प्रोसेस थर्ड मेथड इज द ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन में डीएनए कैसे एंटर हो रहा है तो बेटा ट्रांसडक्शन में डीएनए एंटर हो रहा है बैक्टीरियल सेल में थ्रू वायरस वायरस के थ्रू डी मटेरियल एंटर होगा तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि कोई भी गैमेट्स प्रेजेंट नहीं है कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है कोई जाइगोट नहीं है बस डीएनए जो एक्सटर्नल डीएनए वो सेल के अंदर आएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर उसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे फॉर किंगडम मोनेरा कौन से टाइप से अप्रिमिटिव मेथड से डीएनए एंटर होगा तो थ्री मेथड्स फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय ग्रिफिथ डीएनए विल कम थ्रू द मीडियम Second is the conjugation. DNA will come through the pili tube or by forming the pili tube. Third is the transduction. DNA will enter into the bacterial cell through the viruses. So, beta, a are mode of reproduction: asexual and sexual mode of reproduction for kingdom Monera. In next lecture. वी विल स्टडी अवर लास्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विद द एग्जाम्पल्स दो टाइप्स के बैक्टीरिया है यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया उनके एग्जाम्पल्स हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे